नमस्कार, मेरा नाम है लव सिंह, आप देख रहे हैं डियर हॉर्सेस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मिस्टर गौस खान के घोड़े लाल बादशाह को दिखाने जा रहा हूँ। इस घोड़े पे हर बार की तरह इस बार भी घुड़सवार है सवार गोलू। और अभी आप एक बाइक का काफिला देख रहे हैं जो यहाँ पे गाड़ी लगाई गई है घोड़ों के साथ स्पीड मीटर चेक करने के लिए कि आखिर घोड़े की स्पीड कितनी तक है। अभी देख रहे हैं हमारे इकबाल भाई जो सूरत कठौर से चलकर इस रौनाही फैजाबाद में आए हुए हैं यहाँ के दंगल को देखने के लिए, और प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं। घोड़ा छूट चुका है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से घोड़ा लगातार उसके कदम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। घोड़ा जमीन को चीरते हुए अभी आप देख रहे हैं एक शानदार चाल का नजारा दिखाते हुए लाल बादशाह और सवार गोलू इस फील्ड पे अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इस घोड़े की अगर बात करें तो काफी सारे लोग अब घोड़ों के कलर को दिखा के घोड़े बेचना शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गर्रा घोड़े के कलर का घोड़ा आगे जाकर गर्रा बनेगा। कोमाई अगर जो कलर लाल बादशाह का है, अब इसी के मॉडल का छोटा घोड़ा बड़ा होकर लाल बादशाह बनेगा। बाहुबली जो सूरत में घोड़ा है, अब उसी टाइप का बच्चा घोड़ा उम्मीद है कि वो भी घोड़ा जाके बाहुबली बनेगा। ऐसा कब तक अनुमान लगा कर और सुनकर आप घोड़े खरीद कर इन दलालों के दंगलों में फंसते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि अगर ऐसा होता तो प्रत्येक एक आईएएस अधिकारी का बेटा वो फिर से आईएएस ही बनता। यहाँ पे आप खुद लाल बादशाह की चाल का एक नज़ारा देखिए। इसकी चाल सिंधी है, आपको पता होगा। ऐसे घोड़े थोड़ा रेस में कम देखने को मिलते हैं क्योंकि हमारे यूपी बिहार में केवल एक भदरी ही ऐसा दंगल है जहाँ पे लंबी फील्ड की रेस का आयोजन होता है और इंटरेस्ट भी लोगों का गोल राउंड की ही फील्ड में है। लेकिन फिर भी चलने वाले घोड़े मिलते हैं तो लोग शिद्दत से इन घोड़ों को खरीदते हैं और एक पूरे साल में सिर्फ एक दंगल भदरी लड़ने के लिए ही इन घोड़ों को रखा जाता है, इन्हें सहेजा व संवारा जाता है। अभी इस घोड़े की स्पीड यहाँ पे लास्ट तक 44 किलोमीटर प्रति घंटे तक यहाँ पे नापी गई। अगर मैं कहूँ तो 42, 43, 44 का अगर घोड़ा है तो आसानी से उसे आप कह सकते हैं कि वो किसी दिन भी अगर 40 के प्लस घोड़ा चल रहा है तो 1-2 मीटर ऊपर नीचे होना तो स्वाभाविक बात है। आपको लाल बादशाह की स्पीड इस वीडियो में कैसी लगी और इसकी जो यहाँ पे रौनाही फैजाबाद में प्रैक्टिस चल रही है वो कैसी लग रही है? उम्मीद है 1-2 दिन में घोड़ा और अच्छा प्रदर्शन करेगा। अभी बता दें तो यहाँ पे 100 मैच में 2 घोड़े हटते हैं, एक गर्रा और एक ये लाल बादशाह। उम्मीद है जो आपको पसंद आए कि गौस खान का ये घोड़ा आपको अभी कितना लगता है और कैसे इसकी जो चालबाजी है वो कैसी लगती है, हमें जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपके सहयोग के लिए हमेशा ये चैनल आपका आभारी है।